वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। मध्य प्रदेश हादसा, पीएम मोदी ने जताया दुख, मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख देने का ऐलान, एमपी न्यूज। जिले के गंजबासौदा के लाल पठार क्षेत्र में बृहस्पतिवार शाम को कुएं में गिरे एक किशोर को बचाने के प्रयास के दौरान अंदर गिरे लोगों में से अभी तक 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि 11 लोगों के शव बरामद हुए हैं। इसके साथ 24 घंटे से अधिक समय तक चला बचाव कार्य शुक्रवार रात 10 बजे खत्म हो गया। गौरतलब है, पुलिस के अनुसार बृहस्पतिवार की शाम एक किशोर कुएं में गिर गया था, जिसे बचाने के लिए कुछ लोग उसमें नीचे उतरे। इस दौरान घटना को देखने के लिए कुएं के मुंडेर जगत और उस पर बनी छत पर कई लोग जमा हो गए। भीड़ के वजन से कुएं का मुंडेर और छत टूट गए और उस पर खड़े लोग अंदर जा गिरे। इसके बाद इस कुएं में एक और हादसा हो गया। बचाव कार्य में लगा एक ट्रैक्टर कुछ एक बचाव कर्मियों के साथ बृहस्पतिवार रात को करीब 11 बजे इसमें गिर गया था, हालांकि उनको बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग शुक्रवार रात को घटनास्थल से फोन पर एक समाचार एजेंसी को बताया कि बचाव कार्य शुक्रवार रात 10 बजे खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि इस हादसे के बाद 19 लोगों को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। कुएं से कुल 11 शव बरामद हुए हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गंजबासौदा में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मरे लोगों के परिजन को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, साथ ही घायलों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच और पीड़ितों को हर संभव चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। चौहान ने बताया कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है, आगे भी जरूरत हुई तो इन परिवारों की पूरी मदद की जाएगी। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस कुएं में हादसा हुआ वह लगभग 50 फीट गहरा है और उसमें पानी का स्तर करीब 20 फुट था। कुएं हादसे पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश के विदिशा में हुए हादसे से दुखी हूँ, शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। पीएमएनआरएफ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक की जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स।